नमस्कार, लिपि किचन में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जब भी ऑनलाइन हो आपको पता चले और आप मेरे न्यू अपलोडेड वीडियो आसानी से देख सकें। ये इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दिया है और नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं पोखड़ पसारा। गर्मियों के दिन में ये बहुत अच्छा रहता है। पोखला का मतलब है वाटर राइस, जो राइस को हम कुक करके उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा करके उसमें पानी डाल के उसको फर्मेंटेशन करके राइस डिश के साथ हम उसको सर्व करते हैं। यहाँ पे मैंने बॉडी चूरा, आलू भरता, माछो भजा, साग भजा, पोटल भजा, छुई सोरिस भजा, आम, ककड़ी, मिर्ची और प्याज और नमक के साथ इसको सर्व किया है। मैंने यहाँ पे बॉइल्ड राइस या फिर उसना चावलों को अच्छे से क्लीन करके उसको एक घंटे तक भिगो के रखा था। यहाँ पे मैंने पतीले में पानी गर्म किया है। पानी गर्म होने के बाद उसमें हम चावल डाल लेंगे और उसको ढक के 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। डिपेंड करता है आपके चावल के ऊपर। 20 मिनट के बाद इसका हम फ्लेम बंद करके इसको एक्स्ट्रा वाटर स्ट्रेन कर लेंगे और ये थोड़ा ऐसे दिखेगा और इसको ठंडा करने देंगे। एकदम ठंडा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा गर्म उसमें रहेगा उसे, तभी हमें उसको पानी, चावल डूबने तक पानी देना है। उसको ढक के पूरी रात छोड़ देना है। ये देखिए, पूरी रात के बाद ये ऐसे ही दिखता है, फर्मेंटेशन हो गया है इसका। इसका बहुत अच्छा स्मेल भी आ रहा है। तो इसके साइड डिश बनाते हैं। अभी साइड डिश के लिए मैंने यहाँ पे पर्पल लिया है। 4 पर्पल का अच्छे से स्किन निकाल देंगे और उसको अच्छे से धोने के बाद उसको 4 टुकड़ों में कट कर लेंगे। और ये कट करने के बाद हम उसमें हल्दी, नमक और मिर्ची का पाउडर लगा के 10 से 15 मिनट उसको मैरिनेट करने रख छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद, क्योंकि 15 मिनट इसीलिए मैरिनेशन के लिए छोड़ा जाता है क्योंकि अच्छे से मसाला उसके अंदर जाए और जब हम इसको खाएं तो उसका टेस्ट अच्छा लगे। ये एक झटपट बनने वाला डिश है। आप कभी भी, आप अगर गर्म गर्म चावल में भी खाना चाहते हो इसको बना सकते हो, झटपट बनता है ये। अभी 15 मिनट के बाद कढ़ाई में तेल गरम करके उसको लो फ्लेम में सारे परवल को डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है, उसको ढक के लो फ्लेम में 10 से 12 मिनट पकाना है उसको। 12 मिनट के बाद आप देखोगे इसका कलर ऐसे चेंज हो गया होगा। इसको पलट पलट के दोनों साइड से 6 से 7 मिनट, दोनों साइड मतलब टोटल 12 मिनट तक इसको पकाना है और फिर इसको निकाल के हमें साइड रख लेना है। अभी आलू का भरता बनाएंगे। मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल करके उसका स्किन निकाल के उसको पील कर दिया था। फिर उसमें मैंने यहाँ पे उली प्याज, मतलब छोटे प्याज डालेंगे, सैलड जो होता है उसको डालेंगे और मिर्ची को अच्छे से उसमें क्रश कर लेंगे और थोड़ा सा नमक और सरसों का तेल डाल के इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से बन गया है। अभी बॉडी चूरा बनाएंगे हम। बॉडी का मतलब सन ड्राइड लेंटिन डम्पलिंग्स होते हैं, उसको हम सन में, सन के नीचे सुखाते हैं, फिर इसमें उसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सैलड लिया है, मिर्ची लिया है, गार्लिक लिया है, नमक लिया है और 1-2 ड्रॉप सरसों का तेल लिया है। जो बड़ी है, बड़ी को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम में। मैंने यहाँ पे तेल कम यूज किया, आप चाहे तो ज़्यादा यूज कर सकते हो। ये देखिए, ये हो गया है। अभी इसको अलग रख लेंगे। थोड़ा ठंडा आने के बाद एक मोटर में मिर्ची, लहसुन, धनिया पत्ता और बड़ी, नमक तेल डाल के उसको कूट लेंगे। ध्यान रखिएगा प्याज इस टाइम पे नहीं डालना है क्योंकि प्याज अच्छे से सौगी कर लेगा उसको। तो जब भी खाना है उससे जस्ट पहले ही उसको कूटना है और प्याज डाल के 1 सेकंड के लिए बस कूटना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कूटना है। ये देखिए, 1 या 2 बार बस कूटना है, बस हो गया हमारा बॉडी चूरा रेडी। अभी इसको हम सर्व कर लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे
ड्रम स्टिक एंड आलू का मस्टर्ड पेस्ट का एक अच्छे से फ्राई बनाना है। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसमें पंचफोटन और हरी मिर्च डाल के उसको स्प्लैटर होने देंगे। फिर उसमें मैंने सरसों का पेस्ट बनाया था, जिसको सरसों, लहसुन और हरी मिर्च डाल के पेस्ट बनाया था, उसको अच्छे से डाल के 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के बाद उसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च डाल के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम में हमें उसको पकाना है। ये देखिए, लो फ्लेम में हमें 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट के बाद उसमें गर्म पानी डाल के उसको देखिए ऐसे बबल आने तक उसको पकाना है। जब बबल आ जाएगा उसमें ड्रमस्टिक और आलू डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको ढक के 10 से 13 मिनट हमें पकाना है। आप डिपेंड करते हैं आप कितना ग्रेवी चाहते हो। मुझे ग्रेवी नहीं चाहिए था इसलिए मैंने 13 मिनट पकाया। ये देखिए हमारा ग्रेवी का कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए। ऐसे होने के बाद हम उसमें कोरिएंडर लीव डालेंगे और उसको सर्व कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी रहता है। आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हो, रोटी के साथ भी आप ट्राई कर सकते हो और गरम चावल के साथ ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। अभी हम फिश फ्राई बनाएंगे। फिश को मैंने मैरिनेट करके रखा था हल्दी और नमक देके आधा घंटे तक। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करके मैंने फिश, दोनों फिश को अच्छी तरह से ब्राउन होने तक दोनों साइड से पकाया है। ये दोनों साइड से अच्छे से पक गए हैं। अभी हम इसको निकाल देंगे और सर्व कर लेंगे। अभी हम सागो भजा बनाएंगे या फिर लीफी वेजिटेबल। इसके लिए मैंने यहाँ पे सरसों और सूखी मिर्ची को अच्छे से स्प्लैटर होने दिया, उसमें क्रश्ड गार्लिक डाला और उसको ब्राउन कलर तक पकाया। फिर उसमें सागा डाल के उसको अच्छे से फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम उसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हमें इसको टोटल 4 से 5 मिनट तक पकाना है। वो हमारा रेडी हो गया है। अभी हम जब पकौड़े सर्व करेंगे उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसमें दही या नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फर्मेंटेड है, तो ये ऐसे भी अच्छा लगेगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें नींबू डाल सकते हो। ये हमारा पकौड़ा पसारा रेडी हो गया है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगे। घर पर ज़रूर बनाएगा, सबको खिलाएगा, मुझे बताएगा कैसा रहा। अपना समर हॉलीडे ऐसे इंजॉय कीजिए पकौड़ा पसारे के साथ। आशा करती हूँ आपका हॉलीडे अच्छा जाएगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। घर पे जरूर बनाएगा, सबको खिलाएगा, मुझे बताएगा कैसा रहा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में और मेरे ब्लॉग्स में भी फॉलो कर सकते हो। मैं सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।